दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना बेहद मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। इस कड़ी में हम आपको ऐसे ही रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन करना भी नामुमकिन लगता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। लेकिन जानने से पहले आप अपने छोटे भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑलइन पर जरूर से प्रेस कर दें। आज से करीब 67 साल पहले सन 1955 में एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी थी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमय विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरा था। कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद और मियामी पहुंचने से पहले यह जहाज आसमान में ही लापता हो गया। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने में बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस समय हवाई जहाज को न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए करीब 3.5 घंटे का समय लगता था। 1955 में विमान से न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचने के लिए अधिक से अधिक 5 घंटे का समय लगता था। उस समय पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई जब साल 1955 में लापता विमान फ्लाइट 914 30 साल बीतने के बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी। लैंडिंग के कुछ देर बाद इस विमान ने फिर उड़ान भरी और आसमान में फिर गायब हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काराकस एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है। ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा कि ओह माय गॉड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है इस बारे में कहना बेहद कठिन है। लेकिन 9 मार्च 1985 के बाद इस लापता विमान के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अमेरिका आज भी इस लापता विमान को खोजने की कोशिश में लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।